हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एमसीक्यू सेशन। हम लोग आज जो एमसीक्यू डील करेंगे वो हमारे बीएचयू एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए हमने ये एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है। इफ़ इन केस आपको पेपर पैटर्न की रिक्वायरमेंट हो या पेपर पैटर्न से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट हम एक वीडियो पेपर पैटर्न के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी एक वीडियो हम ड्राफ्ट कर देंगे। हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। द अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर, इट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताना है जो बिजनेस को बिजनेस के ओनर से अलग ट्रीट करता है, दैट इज सेपरेट ट्रीट करता हो। एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि जो बिजनेस है एंड बिजनेस का ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी होगी, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल सके रिलेटेड टू आवर बिजनेस। ये क्वेश्चन बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस 2018 में कवर कर चुका है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ फिक्स्ड असेट्स और कॉस्ट ऑफ स्टोर्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जो कि एक बार में राइट ऑफ नहीं होता, बल्कि उसको हम कई ईयर्स के बेसिस पे राइट ऑफ करते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आप एक्सपेंस के फॉर्म में एक साल करते हो और उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस होता है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ योर बिजनेस और फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी। तो उस केस में इस खर्चे को हम एक बार में राइट ऑफ नहीं करते, रीजन बीइंग कि इस खर्चे का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स, ये तो पूरी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बुक्स में राइट ऑफ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज आर इफेक्ट ऑफ टाइम, परमानेंट फॉल इन प्राइस, ऑब्सोलेंस और ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग हमसे डेप्रिसिएशन का कॉज पूछा है एंड डेप्रिसिएशन मतलब जो हमारे फिक्स्ड असेट होते हैं, जो हमारे फिक्स्ड असेट होते हैं, कौन से वाले, टैंजिबल फिक्स्ड असेट, टाइम के साथ जो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, यूज़ के साथ जो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज़ नॉर्मल वेयर एंड टीयर की वजह से आपके फिक्स्ड असेट, टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन टाइम की वजह से भी हो सकता है, फॉल इन प्राइस की वजह से भी हो सकता है, एंड ऑब्सोलेंस दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो असेट है वो ऑब्सोलीट कर जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो उस केस में भी आपके असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अ प्रोप्राइटर विथड्रू गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, द एडजस्टमेंट एंट्री वुड बी drawings account debit to purchases account debit to drawings account debit to sales account or none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा drawings to purchases। सिंपली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रोप्राइटर दैट इज ओनर ही गुड्स विड्रू कर ले अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो नो डाउट पर्सनल पर्पस के लिए आप जब भी विड्रू करोगे अपने बिजनेस से तो उसको हम drawings कहते हैं। अब हमें देखना होता है कि आपने गुड्स विड्रॉ किया है या कैश। अगर गुड्स विड्रॉ किए हो तो आप अपने परचेजेस को कम करोगे, एंड अगर कैश विड्रॉ किया होता तो फिर कैश को कम करते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेट वॉज अक्वायर्ड ऑन 1st January 2016, ऑन 1st January 2018 इट्स रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसेज ₹8,100, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट वॉज
10,000, 11,000, 9,000 और 12,000। हमें ये बताना है कि 1 जनवरी 2016 को हमारे एसेट की वैल्यू क्या रही होगी। उसमें 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाया गया है और डेप्रिसिएशन लगाया गया है एट द रेट ऑफ 10%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वैल्यू आ रही है 8,100। अच्छा, 1 जनवरी 2016 को ये असेट हमने परचेज किया था, बट इस पर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे नहीं बल्कि रिटेन डाउन वैल्यू पे लग रहा है, दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, दैट इज़ 10,000। इसको अगर हम 10% डिक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगा 1,000। अब नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा 9,000 पे इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 900। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड में अगर हम 10% के हिसाब से रेट चार्ज कर रहे हैं और असेट की वैल्यू मान रहे हैं 10,000, तो सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू कितनी रह जाएगी? 8,100। एंड क्वेश्चन में भी वैल्यू उतनी ही दी है, इसका मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10,000। ये क्वेश्चन भी 2018 BHU MCOM एंट्रेंस में कवर कर चुका है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए दैट इज़ 2020 एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 8:5:3। एक्स रिटायर्ड, वाई टेक्स 3/16 शेयर फ्रॉम एक्स एंड जेड टेक्स 3/16 शेयर फ्रॉम एक्स। द गेनिंग रेशियो इज 1:1, 5:3, 3:5 और 1:3। इसका करेक्ट आंसर होगा 3:5। रीजन बीइंग हमसे न्यू शेयर नहीं गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, और गेनिंग रेशियो मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, जितना वाई को मिला है एक्स से और जितना जेड को मिला है एक्स से उतना ही तो वाई और जेड गेन कर रहे हैं, दैट इज 3/16:5/16 और 3:5 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी ऑफर्स टू शेयर होल्डर्स अ राइट टू बाय 1 शेयर ऑफ ₹12 ईच फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ ₹10 हेल्ड। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹30 ईच। द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर इज 22, 3.60, 26.40 और 10। इसके करेक्ट आंसर के लिए पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा एक्स राइट वैल्यू का। तो हमारी एक्स राइट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस राइट शेयर्स इशू प्राइस, जो राइट शेयर इशू हो रहा है उसकी इशू प्राइस कितनी है, ₹12, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 4 है, प्लस राइट नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा 132/5 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 26.4। क्लियर? नाउ अब हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट मतलब राइट शेयर की कितनी वैल्यू हुई, ₹30 उसकी मार्केट प्राइस है, दैट इज़ कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर एक शेयर की, माइनस 26.4 जो कि हमने एक्स राइट वैल्यू निकाली है शेयर की। तो आंसर आ जाएगा 3.60। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 3.60। ये क्वेश्चन भी 2018 एमकॉम एंट्रेंस बीएचयू में कवर कर चुका है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज शोन इन करंट लाइबिलिटीज, करंट प्रोविजन्स, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज शोन इन, जब तक उसको आप रिडीम्ड ना कर दो, जब तक आप उसको पे ऑफ ना कर दो, तब तक इस प्रीमियम को जो कि बेसिकली हमारे लिए, जो कि बेसिकली कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, तो कंपनी उसको किस तरीके से दिखाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, हेड में दिखेगा अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ PL अकाउंट इज इंक्लूडेड इन अनेक्सर 3 पार्ट 2, अनेक्सर 1 पार्ट 2, अनेक्सर 5 पार्ट 1, अनेक्सर 3 पार्ट 1। इसका करेक्ट आंसर होगा अनेक्सर 3 पार्ट 2, क्योंकि शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में ही
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है अनेक्ष 3 पार्ट 2 दैट इज ए. नेक्स्ट, इंडियन हायर परचेज एक्ट वॉज प्रमुलिगेटेड इन द ईयर 1971, 1972, 1974 और 1975. इसका करेक्ट आंसर है बी 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज और आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर बायर अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट टू ऑप्टेन एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट, टू सेटल अर्ली द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एट एनी टाइम, और ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. रीजन बींग, हमसे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछा है हायर बायर की, मतलब जिसने गुड्स खरीदा है हायर परचेज पे, तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, प्री पेमेंट कर सकता है, अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है, उसके पास ये सारे राइट्स हैं. तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 22 ऑफ द हायर परचेज एक्ट 1972 इज कंसर्न्ड विद ओनर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट, ओनर कैन रियलाइज आउटस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट, ओनर कैन रीपजेस द असेट, ओनर इज नॉट लाइबल फॉर द अपकीप ऑफ द असेट. इसका करेक्ट आंसर है ओनर इज इंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट. इसके बारे में बताया है इन सेक्शन 22. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ ब्रांच अकाउंट इज रियल, नॉमिनल, पर्सनल और रियल एंड नॉमिनल बोथ. इसका करेक्ट आंसर है बी नॉमिनल. रीजन बीइंग कि ये पूरी तरीके से एक्सपेंस एंड इनकम से रिलेटेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ब्रांच मेंटेन्स कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डिपेंडेंट ब्रांच, डोमेस्टिक ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और इनलैंड ब्रांच. इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच. रीजन बीइंग, इंडिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती एंड ये अपनी पूरी की पूरी बुक्स खुद मेंटेन करके एचओ को ट्रांसफर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच. ये क्वेश्चन भी बीएचओ एमकॉम एंट्रेंस 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2018 में ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में कवर कर चुका है क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.